नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ साक्षी। तो शुरुआत करते हैं दिनभर की बड़ी और अहम खबरों के साथ। दिल्ली हाईकोर्ट की शरण में व्हाट्सएप। केंद्र सरकार के आईटी नियमों को कोर्ट ने चुनौती दी, कहा इससे यूजर्स की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। गुजरात में परीक्षा पर फैसला। 12वीं बोर्ड के एग्जाम 11 जुलाई से शुरू होंगे। स्कूल के पास ही सेंटर बनाया जाएगा। टीके पर अच्छी खबर। मोडाना का दावा, हमारी वैक्सीन 12 से 17 साल के बच्चों पर भी 100% कारगर। यूएस में अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे। वैक्सीन पर मोलभाव। अमेरिकी कंपनी फाइजर इस साल 5 करोड़ डोज देने को तैयार, लेकिन केंद्र सरकार से नियमों में छूट चाहती है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड एग्जाम। छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी, कहा परीक्षा रद्द करा दे, इससे हमारी जान को खतरा है। कोरोना के बाद कैसे चलाने होंगे कैंपस? आईआईटी का सुझाव, समय समय पर 10% लोगों की जांच हो, संक्रमित को रेड बेस देकर ऑनलाइन ही पढ़ाएं, मोबाइल ऐप से मॉनिटरिंग करें। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक ऐसा गांव रेगिस्तान में कि ये गड्ढों के पानी के भरोसे जिंदा हैं। 2000 लोग, चारों तरफ रेगिस्तान, बीच में 100 साल पुरानी बेरियां जिनसे दिन भर बूंद बूंद पानी रिसता है। महामारी से युद्ध। जैकोरबर्ग बायोहब के को फाउंडर डेरीजी बोले, ज्यादातर देश कोरोना डेटा साझा कर रहे, भारत पारदर्शिता दिखाए फायदा होगा। चक्रवात यास ओडिशा के भद्रक जिले के तट से टकराया साइक्लोन। कॉलोनियों में घुसा समुद्र का पानी। 120 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही हवाएं। 12वीं बोर्ड परीक्षा पर माथापच्ची। 12 राज्यों ने कहा सिर्फ 3-4 विषयों की परीक्षा हो, समय भी घटे। 8 राज्य बोले वैक्सीन लगाओ या परीक्षा रद्द करो। बुद्ध पूर्णिमा पर मोदी का संबोधन। पीएम मोदी बोले कोरोना ने दुनिया को बदल कर रख दिया, इस मुश्किल वक्त में बुद्ध के आदर्शों पर चलना जरूरी। वैक्सीन के लिए जद्दोजहद। फाइजर की शर्त मानने को केंद्र तैयार। 4 महीने में 5 करोड़ टीके मिल सकते हैं। मॉडर्ना जेएनजे के इनकार के बावजूद विदेशी टीके की उम्मीद कायम। अलवर में डायबिटीज हाइपरटेंशन पीड़ित बुजुर्ग ने कोरोना को हराया। ऑक्सीजन लेवल 65, फेफड़ों में 70% संक्रमण, लेकिन महिला ने हौसले के से कोविड को हराया। राजस्थान में से कोरोना से राहत की खबर। 48 दिन बाद सबसे कम 3,404 नए संक्रमित मिले। प्रदेश में 6% दर्ज की गई पॉजिटिविटी रेट। कोविड पर तकरार। अमेरिका ने कहा कोरोना वायरस की शुरुआत पर नई जांच जरूरी। ताइवान को ऑब्जर्वर बनाएं, चीन का जवाब, झूठ फैला रहा अमेरिका। वैक्सीनेशन के लिए कर रहे जागरूक। अमेरिका में वैक्सीन लगवाने पर मेरीलैंड में रोज 29 लाख, ओहियो में 7.5 करोड़ रुपए के 5 इनाम जीतने का मौका। स्टडी में खुलासा। कहानियां सुनाने पर अस्पताल में भर्ती बच्चों की सेहत में जल्दी सुधार होता है, उनके दर्द और बेचैनी में भी कमी आती है। जापान के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। समुद्र में दुर्लभ खनिज ढूंढे, नई खोज से 500 वर्षों की जरूरत पूरी होगी। चीन पर निर्भरता होगी खत्म। चीन पर शिकंजा कसने की तैयारी। डॉक्टर फाउजी बोले हम कोरोना के ओरिजिन के बारे में सब कुछ नहीं जानते, अमेरिका WHO की जांच को आगे ले जाएगा। यूपी में जहां मरीज वहीं इलाज की हकीकत। 4 जिलों के 4 बड़ी आबादी वाले गांव कस्बों के अस्पतालों पर ताले। मौतें इतनी कि रूम कांप जाए। आज की खास खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।